Hello friends, welcome back to my channel. My name is Raman and you are watching Solar Facts. So चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक. So आज के अपने इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेट पे हम सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर हम सोलरेज इन्वर्टर्स लगा रहे हैं तो सोलरेज के ऑप्टिमाइजर्स लगाने पड़ते हैं हमको. सो सोलरेज के ऑप्टिमाइजर्स को अगर हमें टीन सेट पे माउंट करना है तो कैसे करेंगे, उसका क्या अरेंजमेंट रहेगा, उसके बारे में सीखेंगे. और ऑप्टिमाइजर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजर्स का इनपुट आउटपुट क्या रहता है और ऑप्टिमाइजर क्यों इंस्टॉल होता है. सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सोलर एज इन्वर्टर जो है वो ऑप्टिमाइजर के साथ ही आप इंस्टॉल कर सकते हो. ऑप्टिमाइजर्स क्या कर देते हैं, आपके सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं. सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना मतलब कि देखिए, सोलर जब हम लगाते हैं तो सोलर में क्या होता है, मिसमैच होता है. सो मिसमैच में क्या होता है कि एक जनरेशन का लॉस हमको देखने को मिलता है, उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऑप्टिमाइजर्स लगा देते हैं. तो ऑप्टिमाइजर्स दो तरीके के मार्केट में भी अवेलेबल हैं. एक आपका 1:1 जिसमें एक पैनल पे एक ऑप्टिमाइजर लगता है, और कुछ ऑप्टिमाइजर्स हैं जिनको हम दो पैनल्स पे एक ऑप्टिमाइजर लगा सकते हैं. अब बात यह आता है कि दो पैनल्स पे एक ऑप्टिमाइजर और एक पैनल पे एक ऑप्टिमाइजर, ये डिपेंड करता है कौन सा ऑप्टिमाइजर का रेटिंग मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं कौन से मॉड्यूल्स को लगा रहा हूँ अपने प्लांट के अंदर. नाउ अब बात करेंगे, देखिए ऑप्टिमाइजर्स में क्या होता है, बेसिकली चार केबल आपको देखने को मिलेगा. आपको दो इनपुट के होंगे सेक्शंस, एक प्लस और एक माइनस. दो आपको आउटपुट का सेक्शन दिखेगा, एक प्लस और एक माइनस. यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी होता है इन प्लस एंड माइनस, एंड दिस इज आउट प्लस एंड माइनस. यानी कि दिस इज इन, इन का मतलब आपको सोलर पैनल्स यहाँ पे लाके कनेक्ट करने हैं. आउट का मतलब हो गया कि आपको यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा इस ऑप्टिमाइजर का. नाउ बात आती है कि जब हम वन पैनल वन ऑप्टिमाइजर कनेक्ट करते हैं तो सिंपली मेरे को सोलर पैनल्स का प्लस और माइनस लेके इस ऑप्टिमाइजर के प्लस और माइनस पे कनेक्ट कर देना है. जब हम 2:1 यानी कि दो पैनल्स पे एक ऑप्टिमाइजर कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो दो पैनल्स पे मुझे एक ऑप्टिमाइजर लगाना है उसमें जो दो पैनल्स हैं उनको पहले आपस में सीरीज में कनेक्ट करना है. सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब हो गया कि उन दोनों पैनल्स के प्लस और माइनस को पहले आपस में कनेक्ट करना है. एक पैनल से आपको प्लस मिल जाएगा, दूसरे पैनल का आपको माइनस मिल जाएगा, और वो प्लस और माइनस आपको इनपुट पे देना है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब आप दो पैनल्स पे एक ऑप्टिमाइजर लगा रहे हो तो उसका मतलब है कि आपको दो पैनल्स को पहले सीरीज में कनेक्ट करना है. सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब पैनल नंबर वन और पैनल नंबर टू को आपस में जो प्लस माइनस है उनको कनेक्ट कर दो. तो पैनल नंबर वन से आपको प्लस मिल जाएगा, पैनल नंबर टू से आपको माइनस मिल जाएगा, और वो प्लस और माइनस आपके इनपुट पे चला जाएगा, और सेम आउटपुट को आप प्लस माइनस करके स्ट्रिंग बना सकते हो. नाउ अब बात आती है कि सोलर ऑप्टिमाइजर को अगर मुझे टीन सेट पे लगाना है तो कैसे लगाऊंगा. सो देखिए, जब भी हम सोलर में पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से हम मोनोरेल्स का यूज करते हैं. जैसे ये एक मोनोरेल है, इसी तरीके से आप देखोगे तो ये दूसरा एक मोनोरेल मेरे पास है. सो इन मोनोरेल्स को हम क्या कर देते हैं, टीन सेट के ऊपर रिविट कर देते हैं. तो अभी हम ये मानते हैं कि ये मेरा एक टीन सेट है जिसपे मैंने रिविटिंग कर दी थी, यहाँ पर रिविट कर दूंगा. सेम इस तरीके से रिविट कर देते हैं, और हम क्या कर देते हैं, मॉड्यूल का प्लेसमेंट इस तरीके से हम कर देते हैं. सो मॉड्यूल क्या होगा, एक मॉड्यूल यहाँ पे आएगा, दूसरा इधर से आएगा, और यहाँ पे मिड क्लैंप लगा के मॉड्यूल्स लगा देते हैं नॉर्मली. ना बात आती है जब मुझे सोलर ऑप्टिमाइजर लगाना है तो सोलर ऑप्टिमाइजर भी हम सेम मोनोरेल पे लगा सकते हैं. आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक रेल नट यूज किया है. सो जिस तरीके से जो भी आप मिड क्लैंप या एंड क्लैंप रेल नट या स्प्रिंग वॉशर से लगा रहे हो, सेम एक स्प्रिंग वॉशर या रेल नट जैसा भी आपका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको परचेज करना है. और इस तरीके से आपको सेम मोनोरेल पे आप ऑप्टिमाइजर लगा सकते हो. ऑप्टिमाइजर पर मिनिमम क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको इजीली यहाँ से वो मिनिमम क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, और ये इसका फिक्स करने का अरेंजमेंट है. सेकंड पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब आप इंडस्ट्रियल तीन सेट पे जब आप ऑप्टिमाइजर्स लगाते हो तो ये ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं, सोलर पैनल्स के नीचे चले जाते हैं. बट आपको सोलर एज के अंदर क्या होता है कि आपको जब आप मैपिंग करते हो तो आपको ऑप्टिमाइजर्स का सीरियल नंबर पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो यहाँ पे एक स्टिकर होता है, इस स्टिकर को आपको क्या कर लेना है, उसी सेम सीक्वेंस में आपको इसको निकाल के अपने पेपर्स में चिपका लेना है. या जब आप सोलर ऑप्टिमाइजर का बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ पे एक लेआउट का आपको ऑलरेडी एक पेपर मिल जाएगा, उस पेपर में आप इसको उसी सीक्वेंस में लगा लो. क्योंकि सोलर का एडवांटेज क्या है कि आप पैनल लेवल डेटा देख सकते हो, और पैनल लेवल डेटा देखने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी ऑप्टिमाइजर में तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो. बट जिस ऑप्टिमाइजर में प्रॉब्लम आ रहा है उसका प्लेसमेंट पता होना चाहिए. तो ये मुझे कब पता चलेगा, जब मैं फिजिकल लेआउट में सेम सीरियल नंबर को उसी जगह पे प्लेस करूंगा. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप इंस्टॉलेशन ये कर रहे हो तो मेक श्योर करना है कि आपको ये स्टिकर्स निकाल लेना है. बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि ऑप्टिमाइजर्स लगा के पूरा पैनल लगा देते हैं, बाद में मैपिंग करने जाते हैं उनके पास सीरियल नंबर नहीं होता है, वापस उनको सोलर पैनल खोलना पड़ता है. तो ऐसी गलती आप नहीं करना. आपको क्या करना है कि आपको ऑप्टिमाइजर्स लगाने हैं और सेम उसी सीक्वेंस में आपको
ये स्टिकर्स निकाल लेने हैं। ऑलरेडी इस पे दो तीन स्टिकर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वारंटी अवॉइड हो जाएगा। सेम स्टिकर यहाँ पे भी सीरियल नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे भी सीरियल नंबर लिखा हुआ। ये बेसिकली बना इसलिए कि आपको ये स्टिकर्स निकाल के आपको बाद में आप अपने लेआउट के टाइम पे इसको स्कैन करके लेआउट बना सकते हो। ये स्टिकर्स आपको निकालना है और आपको इस तरीके से इंस्टॉलेशन कर देनी है ऑप्शनल ऑप्टिमाइजर्स की। सो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिमाइजर्स कैसे लगाते हैं, ऑप्टिमाइजर्स का इनपुट आउटपुट क्या है, दो पैनल्स और एक पैनल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, कौन सा स्टिकर आपको निकालना है, कैसे मैपिंग करनी है, किस तरीके से फिक्स करना है। आई थिंक ये क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे सोलर फैक्ट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।